नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन पावर में। पीजीटी इकोनॉमिक्स का वीडियो है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने में सिर्फ आपका 1 सेकंड खराब हो सकता है और उससे हमें प्रोत्साहन बहुत मिलेगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र सामान्य ज्ञान 101 वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेते हैं। उत्तर, रेपो दर 102। राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्नलिखित नाम से भी बुलाया जाता है। उत्तर, सरकारी क्षेत्र का बैंक। 103। किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। उत्तर, पांचवी योजना को। 104। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया था। उत्तर, 1970 में। 105। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। उत्तर, 1964 में। 106। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। उत्तर, आर्बिट्रेज। 107। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। उत्तर, 1 अप्रैल 1969 को। 108। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। उत्तर, 1951 में। 109। बैंक दर से क्या अभिप्राय है। उत्तर, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। 110। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसे है। उत्तर, केंद्र और राज्य सरकारों को। 111। प्रत्यक्ष कर क्या होता है। उत्तर, वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। 112। इफको क्या है। उत्तर, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। 113। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है। उत्तर, भारतीय स्टेट बैंक। 114। मंदरिया किसे कहते हैं। उत्तर, स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। 115। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रेरी किसे कहा जाता है। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 116। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। उत्तर, 1 जनवरी 1955 को। 117। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है। उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक की। 118। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। उत्तर, अनुच्छेद 280। 119। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं। उत्तर, सांविधिक तरलता अनुपात, SLR। 120। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। उत्तर, एस्टेट ड्यूटी। 121। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं। उत्तर, तेजड़िया। 122। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्री कहलाती है। उत्तर, हार्ड करेंसी।
123 मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। 124 भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्थान कौन सी हैं? उत्तर, नाबार्ड। 125 पूंजी निर्माण के तीन चरण कौन से हैं? उत्तर, बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। 126 कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? उत्तर, 1990 में। 127 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? उत्तर, विश्व बैंक। 108 दर किस नीति से संबंधित है? उत्तर, मौद्रिक नीति से। 129 भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? उत्तर, वैधानिक तरलता अनुपात। किसका संक्षिप्त रूप है? उत्तर, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो कितने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते थे और कितने नए क्वेश्चन आपने आज सीखे, ये कमेंट में जाकर हमें ज़रूर बताएं।